अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले नंबर पर हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर सेकंड नंबर पर बच्चे याद रखिएगा प्रिंसिपल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर हमने इसके प्रिंसिपल को पढ़ा, प्रिंसिपल। इसके बाद हमने इसके स्टेप्स पढ़े कि अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। उसमें जो सबसे पहला स्टेप था वो था चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, क्या आपने सॉल्वेंट को चूज़ किस तरह करना है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में बेसिकली दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक फॉर द सॉल्वेंट विच वी यूज इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता था कि राइट डाउन सम नेम्स ऑफ सॉल्वेंट विच वी यूज इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, कुछ सॉल्वेंट के नाम लिखने जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पे आती है, नेक्स्ट स्टेप जो था वो हमारा था प्रीपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, स्टेप नंबर टू। क्या हमारे पास प्रीपरेशन तैयार करना है, हमने प्रीपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम यहाँ पे तैयार करना चाहते हैं। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने का तरीकाकार क्या है कि आपने ना सबसे पहले, अब मेरी बात सुनते जाना, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक बीकर लेना है, ये इस तरह का बीकर होगा हमारे पास। इसमें जो आपने सॉल्वेंट पहले स्टेप के अंदर चूज किया था, सपोज कर लो वो पानी आपने चूज कर लिया, सपोज करते हैं, या कोई और जो भी आप सॉल्वेंट चूज करना चाहते हैं चूज कर लो, मैंने सपोज कर रहा हूँ कि मैंने पानी चूज किया, आपने थोड़ा सा पानी यहाँ पे लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, यानी कि आपने बीकर भर लेना है, नहीं थोड़े से सॉल्वेंट लेना है, ये मैंने सॉल्वेंट डाल लिया इसमें। अब इस सॉल्वेंट के अंदर जिस चीज़ की क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं, मैं सपोज करता हूँ सोडियम बेंजोएट एक कंपाउंड है, या बेंजोइक एसिड, या फिर आप यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो। मैं सपोज करता हूँ कैल्शियम क्लोराइड की मैं क्रिस्टलाइजेशन करना चाहता हूँ, आपने कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा इसमें डालना है, इसको हिलाना है, ये हल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा डालो, हलाओ, हल हो जाएगा। एक वक्त आएगा इस सॉल्वेंट के अंदर ये वाली चीज़ हल होना बंद हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है, इसी चीज़ सॉल्वेंट को लो, इसको गर्म करना शुरू कर दो, क्या करो फिर मज़ीद इसको क्या करो, हीट करो, और हाई टेम्परेचर पे हीट करके इसे मज़ीद आप इसमें सॉल्वेंट ऐड करो, सॉल्यूट ऐड करो, ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसको आप सॉल्यूट का नाम दोगे, उस वक्त तक सॉल्यूट ऐड करते जाओ जब तक मज़ीद हल होना बंद हो जाए, उस वक्त जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका स्टेप क्या है, किस तरह सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते, याद रखिए इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, यही बेसिकली तरीका का है आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरह तैयार करोगे। तो इसमें सबसे पहला काम ये होता है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन बीकर, बीकर में थोड़ी सी अमाउंट में सॉल्वेंट ले लो, एंड एड सॉल्यूट अंटिल इट बिकम सैचुरेट, इट बिकम सैचुरेट, जब तक ये सैचुरेट ना हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, हीट द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बाद में गर्म करना है, हीट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गर्म करो एट हाई टेम्परेचर एंड अगेन, फिर आपने क्या करना है, सॉल्यूट ऐड करना है, इस सॉल्यूट को दोबारा फिर मज़ीद ऐड करो, एंड अगेन एड सॉल्यूट ऐड कर दो। अब देखो इस, मैं कहता हूँ जी कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ क्या हैं, इम्प्योरिटीज़, मैं कहता हूँ इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सैंड है, वो कौन सी चीज़ है हमारे पास, सैंड, थोड़ी बहुत मट्टी है इसके अंदर, मैं जिस चीज़ को अलग करना चाहता हूँ, सही है, तो मैंने क्या किया जी सैंड है, इस चीज़ को मैं इस चीज़ में से अलग करना, देखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, आप इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, हाँ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जरिए से आप इसको अलग कर सकते हो, सही है। तो अब क्या करना है, आपने इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है, ऐड सॉल्यूट, मज़ीद सॉल्यूट ऐड करना है, एंड प्रिपेयर, और तैयार कर लेना है, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार कर लेना है। लो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप आता है बच्चे हमारे पास, वो है फिल्ट्रेशन का। थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, फिल्ट्रेशन। बच्चे फिल्ट्रेशन के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर सकते हो,
अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के लिए चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे थे, या तो आप फनल के जरिए से, फिल्टर पेपर के जरिए से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपने एक और भी फिल्ट्रेशन के लिए प्रोसेस पढ़ा हुआ है, वो है क्रूसिबल, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, उन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर फिल्ट्रेशन देखा जाए तो आपने करना क्या, मैं अगर सपोज करता हूँ मैं फिल्टर पेपर के जरिए से इसकी फिल्ट्रेशन करता हूँ, तो ये हमारे पास एक फनल होती है, सही, इस तरह की फनल आएगी। इस फनल को आपने लगा देना है स्टैंड के साथ, ये हमारे पास स्टैंड आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंड आ गया। अब इस फनल के अंदर आपने पहले लगाना है फिल्टर पेपर, क्या करना है, इस फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर लगा देना है। फिल्टर पेपर के बाद आपने इसके नीचे रख देना है बीकर को, यहाँ पर हमारे पास आ गया बीकर, सही है। आपने इस सोल्यूशन को लेकर, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ पर तैयार कर रखा होगा, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को लेकर आपने गिरा देना है यहाँ पर, इस सैचुरेटेड सोल्यूशन काम गिराएगी इस फनल के ऊपर। अब देखो इम्प्योरिटीज जो होंगी, कौन सी इम्प्योरिटीज इसके अंदर मौजूद होंगी, सैंड, सैंड पता है आपको पानी में हल नहीं होगी, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, पानी में हल होंगी, सही। आपने इस सोल्यूशन देखो, आपने इसको ठंडा नहीं करना, जैसे आपने आग के ऊपर रखा होगा उसी वक्त उठा के इसके ऊपर गिरा देना है। ठंडा करोगे इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, और जो क्रिस्टल बनेंगे वो इसके ऊपर रहने शुरू हो जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, सही है। तो आपने क्या करना है, इस बीकर को उठाना है, इस बीकर को उठा के इसके अंदर ऐड कर देना है। जैसे ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, जो सैंड होगी ऊपर आ जाएगी, सैंड ऊपर आ जाएगी, और सारे का सारा सोल्यूशन जो होगा हमारे पास फिल्ट्रेट, वो सारे का सारा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये अभी भी हॉट ही होगा, गर्म होगा, सही है। ये है जी फिल्ट्रेशन, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपने, अच्छा बाज़ दफ़ा एक वर्ड आपकी बुक में यूज़ करता है, हॉट फनल, प्री मेच्योर क्रिस्टल्स से बचने के लिए हम हॉट फनल का यूज़ करेंगे। देखो आपको पता है जब ये ठंडा होगा दोबारा क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे, ये क्या होगा, या जब ये जैसे ही दोबारा ठंडा होगा तो इसमें क्या बनने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल। कहता है ये सोल्यूशन आपका, क्योंकि आपने ये चीज़ चेक की होगी, जब हम फिल्ट्रेशन फनल के जरिए से करते हैं तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो ये सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपका ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिस्टल ऊपर रहने शुरू हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि क्रिस्टल यहाँ पर ना रहे, क्रिस्टल इसी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में नीचे आ जाए। इसके लिए कहता है क्या करो, आप ये जो फनल है ना, ये हॉट फनल यूज़ कर लो। हॉट फनल क्या होता है ज़रा गौर कीजिएगा, उसमें इस तरह डबल इसकी लेयर होती है, इस तरह डबल लेयर होती है, यानी कि ये बीच में ना पानी हम फ्लो कर रहे होते हैं, बीच में कौन सी चीज़ फ्लो कर रहे होते हैं, पानी को फ्लो कर रहे होते हैं, ये वाली, ये जो डबल ग्लास होता है, और डबल ग्लास में यहाँ पे पानी होता है। अब देखो ये जो वाटर होता है ना, याद रखिए ये हॉट वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, हॉट वाटर होगा, गर्म पानी होगा। अब हॉट वाटर से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आप सॉल्यूशन डालोगे वो गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं होगा, जब ठंडा नहीं होगा तो इसमें कोई क्रिस्टल नहीं बनेंगे, सही है। जब क्रिस्टल नहीं बनेंगे सारे का सारा सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा, यानी कि प्री मेच्योर क्रिस्टल से बचने के लिए आप क्या करते हो कि हॉट फनल का इस्तेमाल कर रहे होते हो। इसके अलावा प्रोसीजर को स्पीड अप करने के लिए आप यहाँ पे सक्शन पंप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सक्शन पंप का मतलब क्या होता है कि आप फनल ऐसे इस्तेमाल करो, यहाँ पे एक सक्शन पंप लगाओ, वो क्या करेगा ऊपर से हवा को नीचे की तरफ खींचेगा, जब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से सॉल्यूशन नीचे की तरफ स्पीड ली जाएगा। ये है जी तरीकेकार फिल्ट्रेशन का। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इस तरीकेकार में हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, जो हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सॉल्यूट का, इज फिल्टर्ड बाय यूजिंग गूज क्रूसिबल और बाय यूजिंग, या फिर आप फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हो, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, लेकिन जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना वो गूज क्रूसिबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गूज क्रूसिबल में याद रखिए फिल्टर पेपर हम इसके ऊपर रखते हैं, या फिर फिल्टर पेपर, सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम प्री मेच्योर क्रिस्टल फॉर्मेशन वी यूज हॉट फनल, सही है। टू प्रिवेंट फ्रॉम टू
प्रिवेंट, बचने के लिए, किस चीज से बचने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम प्री मेच्योर। बच्चे प्री मेच्योर पता किसे कहते हैं, बाद में प्री मेच्योर बेबी भी होते हैं, प्री मेच्योर बेबी जिसको हम आम जबान में पता क्या कहते हैं, सतमाया, सुना होगा लफ्ज सतमाया अठमाया। नॉर्मल जो बेबी की उम्र होती है ना वो नौ साल कह रही है, 9 महीने होती है, अब उसको प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। मतलब वो क्रिस्टल जो अपनी उम्र से पहले ही बन जाएंगे, मतलब आप जब ठंडा करोगे क्रिस्टल बनने शुरू होंगे ना, प्रॉपर क्रिस्टल उस वक्त बनते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यानी फिल्ट्रेशन के दौरान ही थोड़े बहुत क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। वो जो क्रिस्टल बनते हैं उसको कह रहे हैं प्री मेच्योर क्रिस्टल्स हैं। कहते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम, हॉट फनल एंड अप्लाई, और हम अप्लाई कर रहे होते हैं एंड अप्लाई सक्शन टू इंक्रीज, और हम सक्शन यानी नीचे की तरफ से वैक्यूम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का रेट तेज हो जाता है। अप्लाई सक्शन टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब यहां पता क्या होता है, ऐसी इंप्योरिटीज जो इस सॉल्वेंट में इनसॉल्वेबल होंगी वो यहां फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी। दोज इंप्योरिटीज ऐसी ना खालिस चीजें विच आर इनसॉल्वेबल, जो हल नहीं होती इन सॉल्वेंट, आर रिमूव्ड, इसको हम निकाल देते हैं, आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के जरिए से इसको निकाल देते हैं। लो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास है कूलिंग। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट पे कूलिंग आएगा। अब कूलिंग का मतलब होता है जो आपके पास, देखो अभी भी हमने क्या किया हुआ है ये बात याद रखिएगा, मैं दोबारा फिर शुरू से बता देता हूँ। आपने सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है, उसको गर्म करके जितने सॉल्यूट हल हो सकता है उसमें हल करना है, उसी गर्म सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर करना है, और आपने यहाँ पे हॉट फनल यूज की ताकि सॉल्यूशन ठंडा ना हो, और जहाँ पर जो हमारे पास चीज़ आएगी ये अभी भी गर्म है, ये अभी भी क्या है हमारे पास गर्म है, सही है। तो आपने इसी चीज़ को उठा के दोबारा यहाँ पर क्या करना है, इसको कूल करना है। देखो कहते हैं कूलिंग के ना तीन तरीकाकार है, कूलिंग के कितने तरीके का आ रहा है हमारे पास, या आपने यहां पर सॉल्यूशन ले लिया, क्या तीन तरीके का आ रहे हैं, एक जी आप इसको सडनली कूल कर दो, सडन कूलिंग से क्या मुराद है, बच्चे आप बर्फ वगैरह के अंदर इसको रख दो, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा, सही है। एक है कूलिंग एट मॉडरेट रेट, दरमियाने यानी के बिल्कुल नॉर्मली आप इसको कूल करो, मसलन आप ठंडा पानी लो, बर्फ़ ना लो, ठंडा पानी लो और उसको ठंडा होने दो, उसमें रख दो, ऐसे ऐसे ठंडा होता रहेगा, सही है। इसके बाद है स्लो कूलिंग का मुराद क्या है कि आप इस सॉल्यूशन को वैसे का वैसे ही पड़ा रहो, ना पानी में रखो, ना किसी चीज़ में रखो, हवा में रख दो, ऐसा ऐसा एक घंटा या दो घंटे लगाएगा, ऐसा ऐसा ठंडा हो जाएगा। ये तीन तरीके का है। कहते अगर आप इसकी सडन कूलिंग करते हो तो क्रिस्टल का साइज होगा छोटा, मतलब क्रिस्टल यहां बनेंगे इतने साइज के, मैं सपोज कर रहा हूं इतने साइज क्रिस्टल बनेंगे। अगर आप मॉडरेट कूलिंग करते हो तो मॉडरेट साइज के क्रिस्टल बनेंगे, इतने बड़े बनेंगे। और अगर स्लो कूलिंग करते हो तो क्रिस्टल बड़े साइज के बनेंगे, क्रिस्टल क्या होंगे, बड़े साइज के बनेंगे। आपने कभी चीनी देखी, एक चीनी कुछ चीनी बना रहे होते हैं ना, हम बाद दफ़ा चीनी आती है
तो उसके वो दाने बड़े छोटे छोटे से होते हैं, बेसिकली वो भी क्रिस्टल्स है, वो भी सेम काम प्रोसीजर हो रहा था, सेम प्रोसीजर हो रहा था। आप चीनी को गर्म करते हो, हाई टेम्परेचर गर्म करते हो, गर्म करने के बाद उसमें जितना पानी होता है इसको वेपोरेट करते हो, वेपोरेट करने के बाद वो कंसंट्रेशन बन जाता है, उसके बाद आप उसको ठंडा करते हो, ठंडा करने के बाद उसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, सही है, सेम प्रोसीजर होता है। अब चीनी के बाद आप कुछ जगह पे आप देखेंगे तो उसके ब्रीक ब्रीक दाने होते हैं, कुछ जगह पे देखेंगे तो मोटे मोटे दाने होते हैं, उसमें बेसिकली सारा का सारा प्रोसीजर जहाँ पर फ़र्क आता है ना वो कूलिंग का है। अब कोई जी स्लो कूलिंग कर लें, ये तेज़ी से क्यों कूलिंग कर देते हैं फिर, क्योंकि अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो पूरी फैक्ट्री का काम स्लो हो जाएगा। अगर वो सपोज करो एक दिन में एक टन चीनी बनाते हैं, अगर वो स्लो कूलिंग करेंगे तो आधा टन बनाएंगे, उनका तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। पहले एक टन बना रहे थे चीनी, अब आधा टन बन रही है, सही, क्योंकि उनके पास जितनी स्पेस है उस स्पेस में वो कितनी जो भी चीनी आप कूल कर रहे हो, सही, जितनी चीनी कूलिंग कर रहे हो, अगर वो स्लो कूलिंग करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो कम मकदार प्रोड्यूस होगी। इसे वो कहते हैं नॉर्मली ये वाली कूलिंग करते हैं मॉडरेट। अब बाद अगर तेज़ी से करना शुरू कर दें तो क्रिस्टल क्या बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे। और हमारे यहाँ पता क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहता है वो चीनी बनी होती है वो ये गन्ने की नहीं होती, ये पता चरी शरी की बना देते हैं, होता ये कॉन्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं है। सारे का सारा प्रोसीजर जो यहाँ पर फ़र्क आ रहा है ना वो यहाँ कूलिंग का है। अगर आप स्लो कूलिंग करोगे तो बड़े साइज के क्रिस्टल्स होंगे, अगर आप यानी फास्टर कूलिंग करोगे या सडन कूलिंग करोगे तो आपके क्रिस्टल्स क्या रहेंगे, छोटे साइज के। द हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड डाउन टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। सही है, इनके क्या होता है, जैसे आप इसको ठंडा करते हैं इसके नीचे वाली साइड पर यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्या बनने शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। अब देर आर थ्री वे टू कूल द हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देर आर थ्री वेज टू कूल द हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन से तीन तरीकेकार हैं हमारे पास, पहला है जी हमारे पास स्लो कूलिंग या फास्टर कूलिंग या सडन कूलिंग भी आ सकते हो, फास्टर कूलिंग पहला तरीका। सेकेंड तरीका कार कौन सा है, कूलिंग एट मॉडरेटेड, कूलिंग एट मॉडरेट रेट, दरमियाने रेट पे कूलिंग करना। इसी का थर्ड तरीका कार है हमारे पास स्लो कूलिंग। सिर्फ आपने क्रिस्टल साइज बताना है कि सब में क्रिस्टल साइज कैसा होता है। इन फास्टर कूलिंग स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन, इन फास्टर कूलिंग स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन, सही हो गया। इसके बाद मॉडरेट रेट पे जब कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, मीडियम साइज क्रिस्टल्स ऑब्टेन, मीडियम साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन ऑन मॉडरेट कूलिंग कहते हैं, या इतनी तेजी से की जाए ना इतनी स्लो की जाए, मॉडरेट कूलिंग। लास्ट वाली क्या है हमारे पास, स्लो कूलिंग, लार्जर साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन ऑन स्लो कूलिंग पे लार्जर साइज क्रिस्टल ऑब्टेन हो रहे होते हैं। तो ये सारे का सारा तरीका कार है जिसके ज़रिए से आप सारे का सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ तक चेक करो, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, सही है। बेसिकली अगर मैं सारी बातें बताऊँ ना, पहले आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है,
सॉल्वेंट लेना है, उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाना है, उसको गर्म करना है हाई टेम्परेचर पे, और उस वक्त तक सॉल्यूट ऐड करना है जब तक उसमें हल होना बंद ना हो जाए। उसी सॉल्यूशन को लेना है, आपने फिल्टर कर देना है। फिल्टर करने के बाद आपके पास जो इंप्योरिटीज़ होंगी उसमें से रेत वगैरह या कोई भी जो सॉलिड चीज़ जो उस सॉल्यूट में हल नहीं होगी वो सारी की सारी सलाद हो जाएंगी। आपने इसी सॉल्यूशन को लेना है, इस सॉल्यूशन को नेक्स्ट क्या कर देना है, कूल कर देना है। कूलिंग के तीन तरीकेकार हैं, स्लो, फास्ट एंड मॉडरेट। स्लो कूलिंग कर दो तो बड़े साइज के क्रिस्टल बनते हैं, मॉडरेट साइज पे मॉडरेट साइज के बनेंगे, और सडन कूलिंग या फास्ट कूलिंग में छोटे साइज के क्रिस्टल बन रहते हैं। इसके बारे में ना ये बात याद रखिएगा, ये जो बात मैंने लिखी है ना ये वाली, इसके बारे में एमसीक्यू आ चुके हैं कि लार्जर साइज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन एट, बड़े साइज के जो क्रिस्टल है वो कहाँ पे हासिल होते हैं, स्लो कूलिंग पे, मॉडरेट कूलिंग पे, या फिर फास्ट कूलिंग पे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन से होंगे, स्लो कूलिंग। तो ये बात याद रखिएगा, कूलिंग के तीन तरीका कार है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।